अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मुझे तकरीबन यहाँ पे साल हो गया रहते हुए हैमबर्ग में, लेकिन आज तक पूरा टाइम नहीं मिल सका, फ्री टाइम नहीं मिला कि हम जो है ना हैमबर्ग को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकें। तो आज फाइनली हमने टाइम निकाला है कि आज हम पूरे हैमबर्ग की जो मशहूर प्लेसेस है ना उसको विज़िट करते हैं और उसके ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं। तो आज इस काम के लिए, क्योंकि मुझे तो टोटल इतना चीज़ों का पता नहीं है, तो आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन मौजूद हैं, उनका नाम है अहमद इरशाद। ये आज हमारे लिए गाइड के तौर पे काम करेंगे, हमारे साथ गाइड के तौर पे रहेंगे हमारे साथ। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इनको एक्सप्लोर करवाऊंगा हैमबर्ग। तो अभी चलो जो है ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो बेसिकली उमर भाई, ये जो आप ब्रिज मेरी तरफ़ देख रहे हैं ना, इस ब्रिज का नाम एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जो सब जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से ये ब्रिज का नाम रखा हुआ। ये कन्वर्टेबल ब्रिज है, जब यहाँ से कोई फेरी या शेप वगैरह गुजरना हो तो ये ब्रिज ओपन हो जाता है, तो ये दरमियान से गुजर जाते हैं। अभी अब यहाँ का हैमबर्ग का सबसे मशहूर बिल्डिंग क्या नाम है इसका, एल्फिन हार्मनी। मैंने सही बोला है? अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, क्या बता रहे थे पहले? तो बेसिकली उमर भाई, इसमें ऐसा है कि ये जो आप पीछे रेड ब्रिक्स वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसमें ये है कि ये इसमें ऑफिसेज हैं। एल्फिन हार्मनी का ऑफिस है और इसमें वेस्टर्न होटल का ऑफिस है। उसके ऊपर जो आप ग्लासेस वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ग्लासेस वाली बिल्डिंग जो है इसमें मेन कॉन्सर्ट हॉल है एल्फिन हार्मनी का, जिसमें ओपरा और डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं। और उसको दूसरी जगह डिवाइड किया हुआ है उसमें होटल में, जो 5-स्टार होटल है मैरियट का एक ग्रुप का। अच्छा। तो हम बाकी इसके 9 फ्लोर हैं। ये जो है इसकी जो ग्लास वाली बिल्डिंग है, इसके 9 फ्लोर में डिवाइड किया हुआ है, एक साइड इसकी कॉन्सर्ट है और एक साइड होटल है। तो हम इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। वो जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं, वो लंबी लाइन जो है वो प्लाजे के अंदर जाने के लिए है। और ये जो बेसिकली प्लाजा है, ये 2010 में, 2015 में इसका अफ्ताह हुआ था, और 2015 में इसका अफ्ताह हुआ है और उसके बाद चल रहा है, और फ्री टिकट है इसकी बेसिकली। चलो अभी हम देखते हैं, अगर तो अंदर जा सकते हैं तो अंदर जाके भी देखते हैं ऊपर से, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग दरख्तों के ऊपर धागे बांधते हैं ना, मज़ारों में मन्नतें मांगते हैं, ऐसे यहाँ पे लोग ताले लगा के चाबी जो है ना पानी में फेंक देते हैं ताकि उनके जोड़े जो है ना सलामत रहें। ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोगों ने अपने कपल्स ने अपने नाम लिख के चाबियाँ फेंक दी हैं ताकि जो है ना मरते दम तक वो एक साथ ही रहें। जैसे इटली का शहर है ना, मुझे उसका नाम सही से याद नहीं है, वेनिस जो कि पानी में है, उसी तरह हैमबर्ग भी जो है ना, इसमें मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो ये कह रहे थे कि पूरे यूरोप में जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिजेज है ना वो हैमबर्ग है। तो इस वजह से यहाँ पे हर जगह, हर गली में आपको जो है ना हर गली में आपको कोई ना कोई ब्रिज, और कोई ना कोई गली में तो नहीं लेकिन आपको हाफन सिटी में आपको किनार ब्रिजेज। अभी जो पीछे हमारे बिल्डिंग्स हैं, ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सारी। इनमें ये स्पाइशियस स्टड कहलाता है। स्पाइशियस स्टड जैसे मतलब के जो पुराने ज़माने में शिप्स आते थे, लगते थे यहाँ पर आके, तो यहाँ पर इनके ना अंदर, यहाँ पर इन्होंने एक कुंडी बनाई हुई है, तो वो नीचे आता है, वहाँ से सामान उठाते थे और वो अंदर उसको सेव कर देते थे। तो ये किसी ज़माने में सिर्फ ड्रग डीलर, सीरियल किलर्स और जो है वो उनका इलाका होता था यहाँ पर, जो सब यहाँ पर दो नंबर लोग कहते हैं ना जिसको होते थे यहाँ पे। Thank you.
एल्फन हार में तो हम फिर अंदर गए नहीं क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा थी, तो हमारा सारा टाइम यही वेस्ट हो जाना था। फिर अभी हम ये चर्च आ गए। ये चर्च जो है ये इसको कहते हैं सेंट निकोलाय चर्च। ये बेसिकली 1874 में इसको बिल्ड किया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने। तो उसके बाद जो है फिर जब वर्ल्ड वॉर टू में इसको तबाह कर दिया था, तो दोबारा बनाया और ये इसको फिर इन्होंने रेनोवेट किया है। और इसके बेसिकली जो ये ऊपर जाने के लिए जो इन्होंने लिफ्ट लगाई है ना वो 5 यूरो है। आप ऊपर जाके टॉप ऑफ द बिल्डिंग जा सकते हैं इसमें। और किसी ज़माने में ये बिल्डिंग 1874 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड मानी जाती थी। तो ये वुडन है, बता रहे हैं ये वुडन नहीं है, इसको कहते हैं कि वुडन है लेकिन लग नहीं रही है, ब्रिक की बनी हुई है। और ये वर्ल्ड वॉर टू में तबाह हो गई थी बिल्डिंग सारी। कुछ कुछ पार्ट लग रहे हैं शायद वुडन है, कुछ कुछ पार्ट है उधर यार उधर माइक है। इस बेचारे ने बिजली के बिल देने और इसके सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब वो जो है ना उदास बैठा हुआ है। उम्र भाई इसका हुआ ये ऐप के इसके ऊपर फाइनेंस हमने इतने कोई टैक्स लगा दिए हैं ना जर्मनी आके, तो ये सोच रहा है कि मैं जर्मनी आया क्यों। जो सारी सैलरी है ना वो टैक्स में ख़त्म हो गई है, अब रो रहा है अकेला कि मैं जर्मनी आके क्या गया। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा ना ये मैं आज तक इनका चर्च समझता रहा हूँ, लेकिन ये असल में क्या थे? लेकिन ये बेसिकली उमर भाई ये है हैम्बर्ग की ओल्ड पार्लियामेंट। अब ओल्ड पार्लियामेंट अब क्योंकि हैम्बर्ग प्रोविंस है तो हैम्बर्ग में इन्होंने अब पहले इसको ओल्ड पार्लियामेंट बनाया हुआ था, लेकिन अब ये इनका सिटी हॉल है हैम्बर्ग का। अब सिटी हॉल में अभी भी सिटिंग MNA MPs जो हैं पॉलिटिशियंस हैं हैम्बर्ग के वो बैठते हैं इसमें। और अगर हम अंदर जाते तो हम जरूर देखते हैं कि सिटिंग पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ज्यादा जज्बाती नहीं हो रहा है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। शुक्रिया। अच्छा तो ये जो जगह है ना इस जगह का नाम यूनिवर्सिटीक है। इसकी एक साइड पे वो राट हाउस है और दूसरी साइड पे ये आस्टर लेक है। ये आस्टर लेक जो है ना ये भी बड़ी प्यारा व्यू आता है जब धूप निकली होती है, तो बहुत सारी आवाम जो है ना यहाँ पे पिकनिक के तौर पे आती है। और जो दूसरी साइड है उस साइड पर हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है, जैसे पेरिस में लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना इसी तरह यहाँ पे आपको हर महंगे से महंगा हर ज़ात का ब्रांड मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी भी ब्रांड की शॉपिंग करनी है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। हम सिर्फ देख के जा रहे हैं। ओके तो अब जो है ना बहुत भूख लग गई है, सुबह का हम फिर रहे हैं तो चल चल के पैदल भूख से बुरी हालत हो गई है। तो अब हम जाके कुछ खाते हैं और फिर जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यार ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा, चलो मैं कह रहा हूँ आपको, बेल आइकन को दबा दें, इस बंदे की भी मान लो। ओके जोसेफ से बाय। जोसेफ से चूस। ये बंदा भी हमारे साथ है लेकिन पूरी वीडियो में नजर नहीं आया। ही इज मेकिंग अ वीडियो। ओके बाय। चूस।